नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने के नए प्रस्ताव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा मुरादाबाद के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सभी डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और नए प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर आईएमए के मेंबर डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि सरकार जो बिल पेश कर रही है उससे गरीब मरीजों पर बोझ पड़ेगा। इसी बिल के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार के नया प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पूरे देश में करीब 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सरकार ने आईएमए के सदस्यों के ऊपर, एलोपैथिक चिकित्सकों के ऊपर एक नेशनल कमीशन बना दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग बना दिया है, जिसमें ऐसी कुछ बिंदु है जिससे गरीब मरीजों पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। जो पैसे वाले हैं वही मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को बहुत सारी छूट दी जा रही हैं, 60% सीटें वो अपनी मर्जी से भर सकेंगे, 40% सीटें केवल गवर्नमेंट वाले एग्जाम से भरी जा सकेंगी। गरीब व आरक्षित लोग, जो शोषित लोग हैं, वो अपने बच्चों को शायद डॉक्टर ना ही बना पाए। मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो जाएगी, चिकित्सा महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी अपनी चिकित्सा सही ढंग से नहीं करा पाएगा, चिकित्सा का स्तर भी गिर जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्शंस जो होते हैं मेडिकल कॉलेज के समय समय पर वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इनमें हम लोग यही मांग करते हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज नए खुलें उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन समय अनुसार होते रहना चाहिए, जिससे चिकित्सा का स्तर, स्वास्थ्य पढ़ाई का स्तर, चिकित्सा शिक्षा का स्तर सही ढंग से बना रहे और अच्छे मेडिकल डॉक्टर्स बन के निकले वहाँ से। ये हम लोगों की मांग है।